भजन संहिता अध्याय 26, भजन संहिता अध्याय 26, जैसा धूपकाल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरिया घूमते घूमते और सुपाबेनी उखड़ते उखड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाघ और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के वचन में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मछलियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों व बटोहियों का मजदूर में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है और चौके में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले सात मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके सामने है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने के कारण आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में सात घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसे में गिरेगा, पर जो पत्थर लुढ़काए वह उस पर उलटकर उसी पर लुढ़काया जाएगा। जिसने किसी को झूठी बातों के घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है।